फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंडियन ब्लॉगर जया और आज जो मैं वीडियो देकर आई हूं वो मेरे कुछ डिजाइनर ब्लाउज पे है, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है तो मैं सोची सभी ब्लाउज निकाल देती, तो मैं सोची क्यों ना आपके साथ वो डिजाइन शेयर करूं जो मैं डिजाइनर ब्लाउज पहनती हूँ अपने साड़ी पे। और साड़ी का एक होता है कि साड़ी जैसा भी हो बट डिजाइनर ब्लाउज अगर होता है तो साड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, तो बस मैं वही करती हूँ। मैं तीन चार कलर का अपना मतलब मिक्स मैच करके ब्लाउज रखती हूँ और जो भी कोई साड़ी पहनती हूँ उसको साथ में उसके साथ मिक्स कर देती हूँ और मिक्स मैच करके वो ब्लाउज पहन लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है मिक्स मैच ब्लाउज और डिजाइनर साड़ी पे। सबसे मेन होता है ब्लाउज, अगर ब्लाउज आपका अच्छा है तो साड़ी वैसे ही अच्छा लगेगा। तो मैं जो भी कोई साड़ी पहनती हूँ तो उस पर डिजाइनर ब्लाउज भी पक्का पहनती हूँ, प्लेन ब्लाउज भी नहीं पहनती हूँ, क्योंकि प्लेन ब्लाउज पहन तो उतना अच्छा नहीं लगता है कोई भी साड़ी। ऐसे मैं साड़ी का सेट है तो ठीक है, नहीं तो मैं पांच छह ब्लाउज ऐसा है कि मैं डिजाइन मतलब अलग अलग कलर में डिफरेंट कलर में बनवा के रख रही हूँ और वो सब साड़ी के साथ मैच हो जाता है। पूजा में अभी बहुत मतलब फेस्टिव सीजन आ गया है, दुर्गा पूजा स्टार्ट होने वाला है, तो मैं पहले से ही किस डे में कौन सा साड़ी पहनना है, अष्टमी नवरात्रा के दिन कौन सा साड़ी पहनना है, दुर्गा पूजा के स्टार्टिंग में कौन सा साड़ी पहनना है, अष्टमी के दिन कौन सा साड़ी पहनना है और जो सिंदूर खेला होता है उसमें कौन सा साड़ी पहनना है, ये सब मैं सेट कर रही थी। तो देखिए मेरे पास बहुत सारे डिजाइनर ब्लाउज हैं, तो मैं सोच क्यों ना ये डिजाइनर ब्लाउज का जो भी डिजाइन है वो आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको भी कुछ अच्छा लगे और हेल्प मिल जाए और आप भी बनवा सको। तो चलो मैं दिखाती हूँ अपना वो डिजाइनर ब्लाउज जो मेरा फेवरेट है। तो फ्रेंड ये है मेरा पहला ब्लाउज जो कि पैडेड है, इसमें ग्रीन कलर का पैटर्न लगाई हुई, राउंड नेक है, ये बोट नेक नहीं है, छोटा सा राउंड नेक है, ज़्यादा डीप नहीं है और ये बाजू है इसका, यहाँ भी पाइपिंग लगा हुआ है और ये एल्बो लेंथ का ये मैं बाजू दी हूँ, क्योंकि मैं बाजू इतना ज़्यादा बड़ा पहनती ज़्यादा छोटा पहनती नहीं हूँ, एल्बो तक ठीक रहता है तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे छोटा बाजू अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए इस साइज का बाजू मुझे पसंद है। तो यहाँ भी पाइपिंग लगा हुआ है, यहाँ भी पाइपिंग लगा हुआ है और ये ब्रॉकेट का कपड़ा है और इसे हम किसी साड़ी के साथ मैच कर सकते हैं, जैसे रेड हुआ, फिर ब्लैक हुआ, फिर ये जो कलर है गोल्डन कलर इसके साथ और फिर रेड ब्लैक के साथ, रेड ग्रीन के साथ, मतलब तो रेड जिस साड़ी में भी हो उस साड़ी पे वो ये ब्लाउज आराम से चल जाता है। और एक कोई पिक में आप मतलब पिक काफ़ी है तो मैं एक कोई पिक आपको अगर होगा तो इंसर्ट कर दूँगी, आप देख लेना वो पिक, अच्छा लगता है ये ब्लाउज काफ़ी। और इसका जो बैक है वो बैक रेश है, ये देख सकते हो आप, ये बैक लेस है इसलिए इसको पैडेड बनवाई हूँ और ये ऊपर का नेक ये छोटा है काफ़ी, क्योंकि बैक लेस में तो ये छोटा ही होगा ये। और ये देखो कितना अच्छा, ये जो है ना आई शेप का ये डाला हुआ, पूरा राउंड नहीं है, राउंड होने से ज़्यादा ही वो है, राउंड नहीं है, ये आई शेप का है ये, और इसमें भी पाइपिंग लगा हुआ है, नीचे भी पाइपिंग है और ये यहाँ लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे ये लगे हुए हैं। मुझे ज़्यादा तरक भड़क पसंद नहीं है तो मैं ज़्यादा ब्लाउज को तरक भड़क नहीं करती हूँ, ब्लाउज का डिज़ाइन ही काफ़ी है, यहाँ भी ये लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा लगता है ये साड़ी के साथ पहनने में, काफ़ी अच्छा लगता है। तो जो भी पिक होगा मैं आपको साइड पे एक दिखा दूँगी, ये रहा मेरा सेम ब्लाउज, सेम क्या बोलते हैं, सेम फैब्रिक का दूसरा ब्लाउज और दूसरा कलर, इसमें ये पैटर्न नहीं है, ये सिंपल है और इसका भी सेम लेंथ है, एल्बो लेंथ बाजू का, इसका भी नेक छोटा ही है, मैं बड़ा नेक ज़्यादा पहनती नहीं, जो अभी आजकल चल रहा है, आजकल तो ज़्यादा डीप नेक चल नहीं रहा है, छोटे लेंथ का ही नेक चल रहा है, तो इतना ही मैं इसको, ये मेरा टेलर थोड़ा सा वो कर दिया, मम्मा को मैं बोली थी इसको बोट नेक देने का, मम्मा भी बोली थी बट टेलर पता नहीं कहाँ गंग गायब हो गया और इसको थोड़ा सा राउंड कर दिया, इसका बोट नेक था बट अभी राउंड नेक है। और ये पीछे में देखो आप, ये कितना प्यारा लग रहा है, ये चीज़ जो है ये बटन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और ये भी पूरा बंद है, बैक से पूरा ही बंद है, ये देख सकते हो, ये छोटा सा नेक है बस, और ये भी पहनने में बहुत अच्छा लगता है। इसका पिक है वो मेन सर्ट, ये सिंपल सा, इसमें कोई पाइपिंग नहीं लगाई हूँ मैं, ये सिंपल सा ब्लाउज है और इसका भी जो पिक होगा मैं आपको साइड में इंसर्ट कर दूँगी, आप देख सकते हो वहाँ से। ये रहा मेरा तीसरा ब्लाउज और रेट तो पता ही है, सबके साथ जा सकता है। अच्छा हाँ, ये ब्लाउज सबके साथ नहीं जा सकता, ये जो लाइट कलर का जो साड़ी होगा उसके साथ या बहुत ही डार्क होगा उसके साथ ये ब्लाउज पहन सकते हो आप मैच करके, ये सबके साथ नहीं जा सकता है, फिर भी मैच करके आप जो भी गोल्डन अगर साड़ी है तो उसके साथ अच्छा लगेगा, या स्काई ब्लू, ब्लू नेवी ब्लू जो भी है उस पर अच्छा लगता है ये साड़ी, मैं खुद भी पहनी हूँ उसी पर। और ये रेड ब्लाउज, रेड ब्लाउज तो रहना ही है,
क्योंकि मैक्सिमम साड़ी जो होते हैं वो उसमें बॉर्डर बुटी या कुछ ना कुछ रेड होता है, तो रेड साड़ी ब्लाउज रखना हमें चाहिए ही अपने वार्डरोब में। और ये देखो गाइस, ये भी एम्ब्रॉयडर्ड है, ठीक है। इसमें ये जो लेस का ये पाइपिंग लगा हुआ है और इसका भी छोटा नेक है, बट ये मेरा ब्लाउज रेडीमेड है, ये मैं बन पाई नहीं, रेडीमेड ब्लाउज है। और यहाँ भी पाइपिंग लगा हुआ है, इसका थोड़ा सा लेंथ ही कम है, थोड़ा सा ऊपर आता है ये लेंथ, बट मुझे अच्छा लगता है ये लेंथ भी। और यहाँ भी पाइपिंग लगा हुआ है लेस का। और इस बाजू में भी देखो, इसका बैक है, इस टाइप का बैक है। ये बैकलेस तो नहीं है क्योंकि यहाँ बटन है इसका, ये बटन है इसका। और ये मैं ऑनलाइन ली हूँ तो बहुत जल्दी में थी, मेरे पास रेड ब्लाउज था नहीं तो टाइम भी नहीं था, तो मैं इसको ऑनलाइन ही ली हूँ, वरना मैं स्टिच करवा देती। और यहाँ भी ये भी प्यारा सा लगता है, मैं पहनी थी, अच्छा लगता है ये। और ये ब्लाउज बहुत प्यारा लगा। और मेरे जो देवरानी है ना, सेम ब्लाउज ये वाला ली मेरे को देख के, सेम ब्लाउज वो भी ये ली है। और यहाँ भी देख सकते हो आप, पाइपिंग लगा हुआ है, ये रेस का गुड़ापट्टी जो होता है पाइपिंग वो लगा हुआ है। और यहाँ भी ये जो जड़ी का है ना, ये वर्क किया हुआ बहुत ही प्यारा लगता है, सिल्वर और गोल्डन का मिक्स है। इसको हम किसी भी साड़ी पे पहन सकते हैं, तो सिल्वर पहन सकते हैं, गोल्डन भी पहन सकते हैं और रेड पे भी पहन सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। और मैं रेड येलो है मेरे पास साड़ी, जो मैं उस ओकेजन में पहनने वाली थी, मेरे पास ब्लाउज नहीं था, इसलिए मैं ये ऑनलाइन ब्लाउज ली हूँ और अमेजोन से ली हूँ। अगर आपको ये ब्लाउज चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हो साड़ी। और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगता है ये पहनने में। मैं इसका भी पिक है मेरे पास, मैं इंसर्ट कर दूंगी, आप देख सकते हो। और गाइस ये चौथा ब्लाउज, ये तो काफ़ी सिंपल है, बट ये सब जो ब्लाउज जो है ना, ये हम सब मतलब मैक्सिमम साड़ी पे मैचिंग मिक्स मैच करके पहन सकते हैं। और ये भी एक सिंपल ब्लाउज है, यहाँ का ये कटिंग जो चोली कट होता है वो चोली कट, फुल चोली कट नहीं है, ये हाफ चोली कट है। इस ब्लाउज को हाफ चोली कट कहते हैं, फुल चोली कट का कटिंग जो होता है यहाँ से होता है, बट ये हाफ चोली कट है। और ये भी बहुत, मैं ये बैक का बटन डाली हूँ इसमें, बैक में डिजाइन भी था तो बैक का बटन डाली हूँ। इसका भी सेम बाजू जो है सेम है, एल्बो लेंथ, मैं शॉर्ट बाजू पहनती नहीं, मैं बताई तो एल्बो लेंथ। और इसका भी जो नेक है ना वो थोड़ा हल्का सा डिप है, ज़्यादा डिप नहीं है, बट और सबसे बड़ा है ये नेक। और इसमें मैं पाइपिंग वाइपिंग नहीं दी हूँ, ये भी पॉकेट का कपड़ा है, बट ये मेरी साड़ी का सेट है, मैचिंग है साड़ी, ये साड़ी का मैचिंग वो है, ये दूसरे मतलब अलग से कपड़ा नहीं बनवाई हूँ मैं। और यहाँ मैं ये बटन लगवाई हूँ जो काफ़ी प्यारा लग रहा है, बैक में बटन है। और आजकल जो फैशन में है वो बैक बटन का ब्लाउज फैशन में है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं भी, मेरा मैक्सिमम ब्लाउज बैक बटन का ही है, फ्रंट में मैं बहुत कम बटन डालती हूँ। और इसका भी ये नेक देखो कितना अच्छा लग रहा है, इसको अभी तो नहीं बोलोगे, इसको भी है मतलब आई शेप में है, बट यहाँ जाके आई शेप का यहाँ भी कर दिया है, बट पूरा भी नहीं है। ये भी बहुत प्यारा लगता है बैक में, बहुत अच्छा बैठता है ये ब्लाउज। आप ही अगर कोई भी डिज़ाइन पसंद आए तो बनवा सकते हो। और इसको भी मैं दो तीन साड़ी के साथ मैच करके पहन लेती हूँ, क्योंकि मैं देखी हूँ इसका भी पिक अगर होगा तो मैं इंसर्ट कर दूँगी, आप देख सकते हो। ये भी मैचिंग मिक्स मैच करके हम पहन सकते हैं ब्लाउज, क्योंकि प्लेन है। और यहाँ ये सिल्वर ये गोल्डन का यहाँ बूटी डाला हुआ है, और इस ब्लाउज में गोल्डन तो बहुत ही प्यारा लगता है। ये ब्लाउज जो है ये बंगाली टाइप ब्लाउज है, जो बंगालीज पहनते हैं ना ब्लाउज, बस उसी, अगर ये पहनती हूँ मैं तो एकदम बंगाली मतलब लुक जो आता है ना, बंगाली लुक आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं साड़ी भी बंगाली स्टाइल में ही पहनती हूँ, तो ये ब्लाउज बहुत ही अच्छा लगता है। ये ब्लाउज मैं दो तीन बार पहनी हूँ, और मैं बहुत ही, ये मरून और मरून के साथ भी पहन सकती हूँ इस साड़ी को, इस ब्लाउज को और ग्रीन के साथ भी पहन सकती हूँ। और इसका ये जो है ये बहुत ही प्यारा है, ये देखो आप, सिंपल सा है बट बहुत पहनने में बहुत प्यारा लगता है ये। और यहाँ भी ग्रीन का ये जो है पाइपिंग, ये ग्रीन का है, ये भी यहाँ भी ग्रीन का पाइपिंग है। और ये भी पैडेड ब्लाउज है, मेरा मैक्सिमम जो ब्लाउज है वो पैडेड है, बट इसमें पैडेड नहीं डालने से भी होता है, बट मुझे पैडेड ब्लाउज अच्छा लगता है तो मैं पैडेड बनवाई हूँ ये। और बाजू देख सकते हो, ये भी इसका सेम एल्बो लेंथ है। और ये सिल्क में जो फैब्रिक है, ये सिल्क है, सिल्क फैब्रिक में ही बनवाई हूँ। और इसका बैक का देखो, ये बैक भी पूरा बंद है, जितना भी पूरा क्लोज है, ये बैक का कुछ नहीं। मुझे इस टाइप का ब्लाउज बहुत अच्छा लगता है, और जो बोलते हैं ना सेठानी लुक, वो सेठानी लुक आता है ये ब्लाउज पहनने से। और ये ब्लाउज मैं दो तीन बार पहनी हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है, मैं अपने बनारसी साड़ी के साथ पहनी हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है ये साड़ी ब्लाउज। और हाँ, जितना भी ब्लाउज का डिज़ाइन आप देखे हो ना, आगे बैक में जो सामने फ्रंट में जो भी ब्लाउज का जितना भी डिज़ाइन है ना, वो सब मैं खुद ही अपने उसमें मतलब खुद से दी हूँ, वो मम्मा को बोलती हूँ, दीदी को बोलती हूँ, और वही दोनों खुद से बनवाती हैं। और डिज़ाइन देखिए मेरा है, और फैब्रिक भी मैं भेज देती थी, बस दीदी बनवा देती है वहाँ। और सब जितना भी ब्लाउज का डिज़ाइन है मैं खुद करी हूँ, और एक ब्लाउज का स्टिच मैं खुद करी, वो भी मैं दिखाती हूँ।
और ये भी ऑल राउंडर ब्लाउज है, ये देखो ये ब्लाउज है, ये भी सॉरी गाइस इसको मैं प्रेस नहीं करी हूँ, और ये जो है ये मेरे लहंगा का ब्लाउज है जिसको मैं साड़ी के साथ भी पहन सकती हूँ, और ये लहंगा मैं खुद बनाई हूँ, मैं आपको कभी किसी टाइम दिखाऊंगी, ये लहंगा मैं खुद बनाई हूँ, बहुत ही प्यारा सा ये है। मैं कहाँ से लाजपत नगर से ये जो फैब्रिक है लाजपत नगर से ली हूँ, और ये भी ये सब जितना भी है लाजपत नगर से ली हूँ, ये लहंगा मैं खुद बनाई हूँ, कभी दिखाऊंगी मैं आपको। और इसका जो दुपट्टा है वो नेट का है, तो नेट का दुपट्टा में क्या होता है कि पेट दिखने लगता है, तो हम हमेशा वो जो दिखता है वो अच्छा नहीं लगता है। और इसमें क्या है कि इसका जो दुपट्टा है वो नेट का है, तो नेट के दुपट्टा में जो बेदी दिखता है वो हमेशा अच्छा नहीं लगता है। जैसे ससुराल मायका इस सब अच्छा नहीं लगता है, अपने फ्रेंड्स इस सब में सर्कल में जाते हैं तो ठीक है, बट ससुराल मायका में अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बाकी सबको अच्छा लगता होगा जो भी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं इस टाइप का ये बन पाई हूँ, ताकि जब मैं उधर पहनती हूँ तब इस सब साइड में पहनती तो ऐसे कर देती हूँ, अच्छा लगता है बेदी दिखता है तो वो भी, और जब मायका ससुराल पहनती तो ऐसे कर देती हूँ। और ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, मेरे एक और ब्लाउज में ये वाली डिज़ाइन है जो नेट का ही साड़ी है, और यहाँ भी ये पाइपिंग लगा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है, और ये भी पैडेड ही है। और इसका जो ये बाजू है ना, ये मैं एक्चुअली विंटर टाइम में बनाई थी किसी, मतलब इनके मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का शादी था तो उसमें बनाई थी, तो विंटर टाइम में शादी हुआ था तो उसमें मतलब स्वेटर जैकेट तो पहन नहीं सकती थी, तो मैं फुल ये जो है चूड़ीदार ये बनाई, इसका जो बाजू है वो चूड़ीदार है, आप देख सकते हो ये चूड़ीदार बाजू है पूरा लंबा सा लंबा, और यहाँ ये बटन लगा हुआ है, कौन सा बटन बोलते हैं मेरे को ये आईडी पता नहीं है, बट यहाँ लगा हुआ है ये वाली चुटपुट बटन बोलते हैं शायद, ये बटन लगा हुआ है। इसको चाहो तो आप बाजू ऐसे फोल्ड करके भी पहन सकते हो ऐसे भी, या चाहो तो चूड़ीदार ही बना के पहन सकते हो। इसका बैक का जो है, इसका बैक वही है बैकलेस, अच्छा लगता है इसका बैक, पूरा ही बैक लेस है जब पहनते हैं ये एक्चुअली अभी दिख रहा है इस टाइप का, ये पूरा दिखता है बैक में, पूरा ही दिखता है। और इसका ये भी बहुत, ये तो मैं यहाँ से ली थी अपने कहाँ सफदरजंग इनक्लेव से ये ली थी, मेरे को आइडिया था नहीं कि कहाँ मिलेगा, तो मैं वहीं से मिला, मुझे मतलब सेम मैचिंग करते हुए मिला तो ये मैं ले ली और इसमें लगा दी। और ये भी लेस का लगा हुआ है ये इसका बैग, ये पहनने पे बहुत प्यारा लगता है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा लगता है, और इसको मैं साड़ी के साथ ही मैच करके पहनती हूँ और लहंगा के साथ ही मैच करके इसको पहनती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरा फेवरेट ब्लाउज है, ऑलराउंडर ब्लाउज जिसको बोलते हैं ना, ये ऑलराउंडर है, ये मैं किसी के साथ भी लहंगा के साथ हो साड़ी के साथ हो किसी के साथ भी मैं मैचिंग करके पहन लेती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। और सभी इस ब्लाउज के बारे में मुझे एक बार जरूर पक्का ही पूछते हैं। ये एक्चुअली फैब्रिक जो है ये वॉलवेट का है, और बहुत ही सॉफ्ट वॉलवेट, ये सॉफ्ट वॉलवेट है इतना, और फिर मैं इस वॉलवेट इस टाइप का वॉलवेट ढूंढी कहीं नहीं मिला, ये मेरी दीदी कहीं चांदनी चौक से लेके भेजी थी, और ये इस टाइप का वॉलवेट मुझे फिर दोबारा नहीं मिला, मैं चाहे कि ब्लैक रेड सब कलर का मैं दे दूँ बट नहीं मिला। और ये जो है ये साड़ी का बॉर्डर था, उसको डाल के दीदी ये बनवा दी है, ये जो जिस साड़ी का सेट बनवा के भेजी थी दीदी उसी साड़ी का ये बॉर्डर है, और ये डाल दिया जो कि सब पे बहुत ही अच्छा जाता है। ये गोल्डन बॉर्डर है, रेड गोल्डन है ये, और ये गोल्डन है, और इसका भी वही एल्बो लेंथ है बाजू का, और ये भी बहुत प्यारा लगता है, ये जो रेस लगाया हुआ है ना ये भी बहुत प्यारा लगता है, और ये भी पैडेड ब्लाउज है, क्योंकि इसमें भी मतलब पैडेड बैक तो ऐसा ही है, बैक का खुला है तो बैक में पहन नहीं सकते, इसलिए पैडेड ही बनवाई हूँ। और इसका ये कटिंग है, ये कटिंग इस टाइप के ब्लाउज में, इसका भी बोट नेक है, ये जो है ना ये पूरा बोट नेक है, बहुत ही अच्छा लगता है पहनने में। सेम इसमें भी नीचे पाइपिंग नहीं है, बस ऊपर ही रेश लगा हुआ है। और इसका बैक देखो, ये बैक तो देखने वाला है, इसका ये बैक का डिज़ाइन देखो आप, क्या मस्त लग रहा है, देखो मैं दिखाती हूँ आपको ये बैक का डिज़ाइन, ये देखो बैक का डिज़ाइन, ये जो जिग जैग ये जो डिज़ाइन है ना ये मैं खुद ही मतलब मम्मी को दी थी और बोली दीदी को बनवा देने के, डिज़ाइन मेरा खुद का डिज़ाइन है और ये बहुत ही प्यारा लगता है। और इस ब्लाउज में, ये ब्लाउज में जब पहनती हूँ किसी ओकेजन में, किसी का वेडिंग होता है उसमें, जब भी मैं ये सब ब्लाउज पहनी हूँ, और ये लटकन लगा हुआ है, ये तो मेरी मम्मा ने लगा दी है खुद से ही, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये रेश लगा हुआ है। और ये ब्लाउज में जिस किसी ओकेजन में पहनी हूँ, जिस किसी के शादी में पहनी हूँ, जब भी मैं ये ब्लाउज पहनी हूँ, सभी एक बार जरूर पूछे हैं ये ब्लाउज कहाँ से बनवाई, और ये ब्लाउज भी मैं अपने मायके में ही बनवाई हूँ और दीदी बनवा दी है, बहुत प्यारा सा ब्लाउज है। यहाँ भी लेस लगे हुए हैं, इस पर भी लेस लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसका पिक है, मैं आपको इसका पिक भी इंसर्ट कर दूँगी, आप देखना। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये डिजाइनर ब्लाउज कलेक्शन,
अगर अच्छा लगा हुआ जो भी डिजाइन आपको पसंद आया हो इसमें से, तो वो आप जाओ फटाफट बनवाओ टेलर से और इसी दुर्गा पूजा में पहनने को ट्राई करो, क्योंकि पूजा में फेस्टिव सीजन है तो अच्छा लगता है साड़ी के साथ कुछ अच्छा सा डिजाइनर ब्लाउज पहनना। तो ट्राई करो मैक्सिमम कि इसी दुर्गा पूजा में आप ये डिजाइनर ब्लाउज बनवा लो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलो। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।